फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं गटागट। चलिए हम फटाफट बता देते हैं आपको हमने क्या इंग्रेडिएंट लिए। हमने उसके लिए 250 ग्राम कच्ची कैरी ली है, जिसको हमने अच्छे से धो के वॉश कर लिया है। अब हम इसके डंठल निकाल के इसको छील लेंगे। चलिए हम सारी कैरी छील लेते हैं। अब हमने इस देखिए कैरी छीलने के बाद इसको छोटा छोटा काट लिया। अब इसका हम पल्प निकालेंगे। एक कप पल्प निकला। चलिए अब हम कुछ मसाले भून लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। हमने एक चम्मच जीरा लिया है, एक चम्मच मोटी सौंफ है और आधी चम्मच अजवाइन डालेंगे और एक पिंच मेथी दाना डालेंगे और आधी चम्मच हींग डाल के इन सबको हम थोड़ा सा भून लेंगे। फिर हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। चलिए अब ये भून गया। अब हम मिक्सी में पीस लेते, मसालों को पीस लिया। अब हमने एक पैन चढ़ाया है जिसमें हमने ये कैरी का पल्प डाल दिया। अब इसे हम डाल के चलाएंगे और इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ हमने 150 ग्राम लिया है, आप चाहे तो गुड़ ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इन सबको डाल के अच्छा चलाएंगे। देखिए गुड़ हमारा गलने लगा है। आप गुड़ तोड़ के भी डाल सकते हैं, देखिए, लेकिन ये ऐसे इतना बढ़िया से गल गया। अब हमने इसमें एक चम्मच सोट पाउडर डाला है। सोट पाउडर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हमने जो मसाले भुने थे उनको पीस लेते थे वो भी डाल दिए। और हम इसमें अमचूर पाउडर 2 चम्मच डाल रहे हैं, काला नमक भी आधी चम्मच, सफ़ेद नमक भी आधी चम्मच। इन सबको डाल के हम अच्छे से चलाएंगे और ये देखिए गाढ़ा हो रहा है। अब हमने इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल दी है। अब हमने इसमें पिंच भर काली मिर्च डाली, इसको भी डाल के अच्छे से मिला देते हैं। अब ये देखिए हमारे जो पेस्ट है वो गाढ़ा हो रहा है, क्योंकि इसमें बबल्स आ रहे हैं और ये बढ़िया से थिक होने। हमारा गटागट का पेस्ट बढ़िया गाढ़ा हो गया है, देखिए ईजिली पलट भी जा रहा है, इसका मतलब ये से बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो गया। उसको हमने धीमी आँच में किया है। एक बोल में निकाल लेते हैं, जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी गोलियां बनाएंगे। चलिए हमने आधा कप चीनी ली है जिसको हमने पीस लिया है। अब इसको पहले आप चीनी को पाउडर को हाथ में लगा लीजिए, फिर आप एक गुड़ से उसकी गोली लीजिए। गोली आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी बना सकते हैं। अब देखिए चीनी लगाने से ये हाथ में चिपकेगा नहीं। अब देखिए इसको हम चीनी पे फिर से वापस लपेट रहे हैं और इसी प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह हम सारे अपने गटागट की गोलियां तैयार कर लेंगे। देखिए हमारी सारी गटागट की गोली तैयार है, ये बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत ही स्वादिष्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।